नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं द खटक। आपको बता दें कि एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि विश्वास में ही विष का वास है, लेकिन ये दुनिया, ये रिश्ते और नाते विश्वास पर ही टिके हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष पर अगर विश्वास नहीं करेगा तो वो भला इस दुनिया में विश्वास परिवार और ससुराल पक्ष के अलावा किस पे करने से रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिले की RGT पुलिस थाने के अंतराल मालपुरा गांव की ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां युवक रामाराम जो कि सिंदरी का निवासी है और उसकी शादी आटा साटा प्रथा के तहत मालपुरा गांव में हुई है, जहां मालपुरा में वो अपनी बहन के पास, उसी का ससुराल भी वहीं और उसकी बहन का भी ससुराल वहीं है, वो वहां उसे मिलने पहुंचता है और उसे भोजन में यानी कि रात्रि खाने में उसे जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता है, जिससे कि रामाराम की एक बार उल्टी होती है और उल्टी में मुंह में झाग निकलने पर घर वालों को ये शक होता है कि इसके खाने में कुछ ना कुछ मिला दिया गया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए सिंदरी लाया जाता है, जहाँ से उसे बाड़मेर रेफर किया गया और बाड़मेर जिला अस्पताल ने उसे मृतक घोषित किया। जिले की पुलिस जांच जारी है, FSL टीम ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। परिवारजनों का पूरी तरीके से आरोप है कि रामाराम की मौत नहीं बल्कि रामाराम की हत्या हुई है, उसके खाने में किसी प्रकार का जहर मिलाया गया है। और उनके परिवारजनों का ये भी कहना है कि रामाराम के साथ उसका छोटा भाई बाबूराम और उसकी आटा साटा में जो उसकी बहन की शादी हो रखी थी वो तीनों वहीं मौजूद थे, लेकिन जब बहन को इस बात का पता चला कि आज जो भाई मेरे पास मिलने आया है उसे भोजन में जहर मिलाकर दिया जा रहा है, उसने खूब प्रयास किए चिल्लाने के, बताने के, लेकिन उसे रोका गया और आखिर वो घटना हो गई जिसका उसे डर था और रामाराम की मौत हो गई। रामाराम के जो परिजन हैं उनका क्या कहना है, सुनिए इसमें। उसकी मिसेज ने फोन करके अपने घर पीर मालपुरा में उसको षड्यंत्रपूर्वक बुलाया, बुला करके उसने कोई जहरीला पदार्थ पिलाया जिससे वहां पर उसकी सगी